हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम सीखेंगे टेली प्राइम में सेल्स ऑर्डर आप किस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, डीएफएन टेली प्राइम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप जिस कंपनी में भी सेल्स ऑर्डर तैयार करना चाहते हैं वो कंपनी आप पहले से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, टेली प्राइम में गेटवे ऑफ टेली की स्क्रीन में रहते हुए आपको जो है वाउचर को सिलेक्ट करते हुए इंटर प्रेस करना है। इसके बाद आपको क्या करना है डियर फ्रेंड, यहाँ पर आपको F10 प्रेस करना है जो कि लिस्ट ऑफ अदर वाउचर की शॉर्टकट की है। यहाँ पर आप देखेंगे अभी यहाँ पर आपको जो है सेल्स जो है ऑर्डर का कोई भी वाउचर आपको यहाँ पर शो नहीं हो रहा है क्योंकि वो अभी इनएक्टिवेट है। तो इसे एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर टॉप पर आप देखेंगे शो इनएक्टिवेट ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, आपको इस पर इंटर प्रेस करना है। इसके बाद आप क्या करेंगे डियर फ्रेंड, ऑर्डर वाउचर सेक्शन के अंदर जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको सेल्स ऑर्डर ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल F8 है। तो आप सबसे पहले इसको सिलेक्ट करते हुए इस ठीक है अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑप्शन आएगा कि आप इस वाउचर को एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो आपको अपने कीबोर्ड से केवल Y प्रेस करना है जिससे ये वाउचर एक्टिवेट हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड, वाउचर को एक्टिवेट करने के बाद आप जो है सेल्स ऑर्डर की स्क्रीन पर यहाँ पर सबसे पहले आपसे पार्टी अकाउंट नेम पूछेगा। तो आपको जिस पार्टी ने भी ऑर्डर दिया है उस पार्टी का नेम आपको यहाँ पर इंटर करना है। अगर पहले से उसका लेजर आपने नहीं बना रखा है तो आप यहाँ पर Alt+C प्रेस करके वो लेजर भी बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको कीबोर्ड से Alt+C प्रेस करना है जिससे आप लेजर क्रिएशन स्क्रीन पर डायरेक्ट आ जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको जो है पार्टी का लेजर टाइप करना है। तो यहाँ पर हम जो है एक लेजर तैयार कर लेते हैं जिससे हमें जो है ऑर्डर मिला है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, Alias का मतलब होता है अगर उसे किसी और नाम से जाना जाता है तो वो भी हम यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद हम अंडर पर आ जाएंगे और अंडर में हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है सन्ड्री डेप्टर, ठीक है, क्योंकि हमें जो है सेल्स ऑर्डर मिला है तो पार्टी जो होती है सन्ड्री डेप्टर्स कहलाती है, ठीक है। उसके बाद मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल ऑप्शन आपको येस रखना है, ठीक है। उसके बाद मेलिंग डिटेल के अंदर यहाँ पर नेम आ जाएगा सामने वाले पार्टी का, आप यहाँ पर एड्रेस डाल सकते हैं, ठीक है। उसकी स्टेट सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपको क्या करना है, ऑर्डर देने वाली पार्टी का सिटी का पिन कोड डालना है। तो यहाँ पर एग्जांपल समझाने के लिए हम एक पिन कोड इनपुट कर देते हैं। उसके बाद प्रोवाइड बैंक डिटेल में आप अगर सामने वाली पार्टी की बैंक डिटेल ऐड करना चाहते तो आप येस ऑप्शन करके ऐड कर सकते हैं। उसके बाद टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल में यहाँ पर सामने वाली पार्टी का पैन नंबर की डिटेल आपको डालना है, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप पार्टी से कॉल करके भी ले सकते हैं या फिर अगर आपको प्रॉपर एक इनवॉइस मिला है, ठीक है, सेल्स ऑर्डर का, तो उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन होती है, आप उसमें से देख कर भी इनपुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल समझाने के लिए अभी हम एक जो है पैन नंबर इनपुट कर देते हैं। ये केवल एग्जाम्पल समझाने के लिए हमने इनपुट किया है, आप सामने वाली पार्टी का ओरिजिनल नंबर इनपुट करेंगे। उसके बाद जो है रजिस्ट्रेशन टाइप में आपको क्या करना है डीएफएन, क्योंकि जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल आजकल मैंडेटरी है, तो इसमें आपको क्या करना है, सामने वाली पार्टी जो है रेगुलर जीएसटी के अंदर आती है या कंपोजिशन स्क्रीन में आती है, तो ये आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप कन्फर्म सामने वाली पार्टी से भी कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर रेगुलर ले लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर सामने वाली पार्टी का जीएसटी नंबर इनपुट करना है, ठीक है। जीएसटी नंबर इनपुट करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि डियर फ्रेंड, जब आप इनवॉइस क्रिएट करेंगे तो वहाँ पर जीएसटी प्रॉपर आपको मेंशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सामने वाली पार्टी का जीएसटी नंबर आपको इनपुट कर देना है। तो यहाँ पर हम इनपुट कर देते हैं एग्जाम्पल समझाने के लिए। तो यहाँ पर हमने सामने वाली पार्टी का जो है जीएसटी नंबर इनपुट कर दिया है। सेट एल्टर एडिशनल जीएसटी डिटेल हम यहाँ पर नो ही रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस लेजर को एक्सेप्ट करा देंगे, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर डिटेल आपसे पूछता है मोर टर्म ऑफ पेमेंट, यानी कितने दिन में आपको जो है पेमेंट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप इनपुट कर सकते हैं कि कितने दिन में आपको पेमेंट चाहिए, तो यहाँ पर हमने 15 डे इनपुट कर दिया है। अदर रेफरेंस अगर आप कुछ देना चाहें तो दे सकते हैं। टर्म ऑफ डिलीवरी का मतलब होता है कितने दिन में डिलीवरी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी डिटेल सामने वाली पार्टी आपको बताती है कि हमें जो डिलीवरी है 1 वीक में चाहिए या 2 दिन में चाहिए, ठीक है। तो ये आपको इनपुट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है डीएफएन, यहाँ पर डिस्पैच डिटेल आपको इनपुट करना है, ठीक है। तो डिस्पैच थ्रू ये यहाँ पर पूछ रहा है कि आप जो गुड्स है वो किसके थ्रू भेजेंगे, तो ये सामने वाली पार्टी आपको पहले क्लियर कर देती है, ठीक है। चाहे ट्रेन से भेजें आप या ट्रांसपोर्टिंग से भेजें, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर इनपुट करना होती है। तो यहाँ पर एग्जांपल समझाने के लिए हम यहाँ पर इनपुट कर देते हैं, ट्रांसपोर्ट लिख देते हैं, ठीक है।
डेस्टिनेशन का मतलब होता है ये जो ऑर्डर आपको मिला है इसका जो सामान आपको कहाँ पर भेजना है, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जांपल समझाने के लिए हम यहाँ पर सिटी का नाम डाल देते हैं। उसके बाद ठीक है, कैरियर नेम एजेंट। कैरियर नेम एजेंट का मतलब होता है कि कॉरियर कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पर कॉरियर कंपनी की डिटेल डालनी होती है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है क्योंकि आपको सेल्स ऑर्डर मिला है, ठीक है। तो ये आपको पता होता है कि आप किसके थ्रू भेजेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इनपुट करना है। पर कई बार क्या होता है डियर फ्रेंड, सामने वाली पार्टी किसी पार्टिकुलर एजेंट से भी जो है गुड्स मंगवाती है, तो वो भी ये चीज़ें आपको बता सकती है। तो वो चीज़ वो उसका नाम आपको यहाँ पर डालना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एग्ज़ाम्पल समझाने के लिए कॉरियर एजेंट का नाम डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद बिल ऑफ लेडिंग, ठीक है, LRRR नंबर, ये होता है, ठीक है, लॉरी नंबर, ठीक है। यानी इसको अदर लैंग्वेज में समझे तो इसको बोलते हैं बिल्टी नंबर, जो कि जब हम गुड्स को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, उस समय जो है 3 से 4 कॉपी में होता है, जो कि ट्रांसपोर्ट के साथ जाती है सामने वाली पार्टी को, ठीक है। तो वो नंबर होता है, ठीक है। कई बार ये नंबर हमें पहले से नहीं पता होता है क्योंकि ये जनरेट होने के बाद ही डाला जाता है, ठीक है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर आती है, तो आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर डेट आती है, मोटर व्हीकल नंबर, ठीक है, गाड़ी का नंबर आता है। ये इन्फॉर्मेशन आप बाद में भी अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पार्टी डिटेल आपको प्रॉपर शो होने लगेगी, ठीक है। और उसके बाद उसका एड्रेस दिखाई देगा आपको, यहाँ पर स्टेट कंट्री आपने जो जो इनपुट करी इन्फॉर्मेशन, ये सभी चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई देगी, ठीक है। आपको एंटर प्रेस करते हुए कहाँ पर आ जाना है, फिर से सेल्स ऑर्डर की स्क्रीन पर आ जाना है। उसके बाद आपसे पूछेगा ऑर्डर नंबर, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, डियर फ्रेंड ऑर्डर नंबर डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सेल्स ऑर्डर नंबर आप इनपुट कर देंगे। तो एग्जांपल समझाने के लिए हम यहाँ पर 101 इनपुट कर देते हैं, ठीक है, आप अपने ही हिसाब से डाल सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछेगा सेल्स लेजर, तो सेल्स लेजर में आपको क्या करना है, यहाँ पर सेल्स का लेजर ही नॉर्मल सेलेक्ट करना है। अगर आपने पहले से बना रखा है तो आपको सेलेक्ट कर लेना है, और अगर आपने नहीं बना रखा है तो आप यहाँ पर क्रिएट पर इंटर प्रेस कर देंगे और आप डायरेक्ट जो है लेजर क्रिएशन की स्क्रीन में आ जाएंगे, और यहाँ पर आपको जो है लेजर तैयार कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर अंडर में भी आपको सेल्स सेलेक्ट करना है, ठीक है। टाइप ऑफ लेजर में आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर स्टेट डिटेल, यहाँ पर आपको GST सिलेक्ट नहीं करना है डियर फ्रेंड, ठीक है। हम GST बिल ही बनाएंगे, पर फिर भी आपको यहाँ पर जो है GST सिलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि इससे कई बार आगे प्रॉब्लम आ रही है, GST कैलकुलेट होकर नहीं आता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल ही रखेंगे, ठीक है। उसके बाद GST एप्लीकेबल में आपको यहाँ पर एप्लीकेबल ही रखना है, ठीक है। HSN SSC डिटेल, यहाँ पर आपको करना है एस पर कंपनी ग्रुप ही सिलेक्ट करना है। GST रेट रिलेटेड डिटेल में भी आपको एस पर कंपनी और ग्रुप ही रखना है। टाइप ऑफ सप्लाई में आपको क्या करना है डियर फ्रेंड, यहाँ पर गुड्स और सर्विस दोनों में से एक चीज़ सिलेक्ट करना है। अगर आपका बिजनेस गुड्स परचेस और सेलिंग का है तो आपको गुड्स सिलेक्ट करना है, और अगर आपका बिजनेस सर्विस प्रोवाइड करने का है तो आपको यहाँ पर सर्विस सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम गुड सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइड बैंक डिटेल आप जो है अगर ऐड करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक्सेप्ट लेजर को करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है डियर फ्रेंड, जिस प्रोडक्ट का भी ऑर्डर आपको सामने वाली पार्टी ने दिया, वो प्रोडक्ट आपको यहाँ पर नेम ऑफ आइटम में सेलेक्ट करना है। अगर आपने पहले से प्रोडक्ट तैयार करके रखा है तो आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे, और अगर आपने यहाँ पर नेम ऑफ आइटम के अंदर आपने कोई भी प्रोडक्ट तैयार करके नहीं रखा है तो आप यहाँ पर Alt+C प्रेस करके डायरेक्ट भी स्टॉक आइटम क्रिएशन स्क्रीन में जा सकते हैं, और जो भी प्रोडक्ट आपको तैयार करना है वो यहाँ पर कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम्पल समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक प्रोडक्ट तैयार कर लेता हूँ, ठीक है। एग्ज़ाम्पल समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक प्रोडक्ट तैयार कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर अंडर में यहाँ पर जो अभी प्राइमरी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम मोबाइल जो है सिलेक्ट करेंगे, और अगर पहले से आपने अंडर ग्रुप तैयार नहीं कराया तो आप यहाँ पर भी Alt+C प्रेस कर सकते हैं, और डायरेक्ट आप स्टॉक ग्रुप क्रिएशन स्क्रीन में आ जाएंगे। यहाँ पर आपको मोबाइल टाइप कर देना है, ठीक है, अंडर प्राइमरी ही आएगा, ठीक है। और शील्ड क्वांटिटी ऑफ आइटम भी एडिट यहाँ पर नो रहेगा, और HSN SSC डिटेल एज पर कंपनी और स्टॉक ग्रुप रहेगा। GST रेट रिलेटेड डिटेल के अंदर भी आपको एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद इसे एक्सेप्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जब आपसे यूनिट पूछेगा, ठीक है, तो यहाँ पर यूनिट पीस में चलता है क्योंकि, तो यहाँ पर आपको क्या करना है डियर फ्रेंड, यहाँ पर आपको जो है यूनिट को सिलेक्ट करना है। अगर यूनिट भी आपने पहले से तैयार करके नहीं रखी है तो यहाँ पर आप Alt+C प्रेस करके डायरेक्ट आप यूनिट क्रिएशन स्क्रीन में आ सकते हैं, और यहाँ पर आप जो है यूनिट बना सकते हैं। तो एग्जांपल समझाने के लिए हम यहाँ पर एक यूनिट भी तैयार कर लेते हैं, ठीक है। फॉर्मल नेम इसका होता है पीसेस,
और यूनिट क्वांटिटी कोड में आपको यहाँ पर PCS टाइप करना है, ऑटोमेटिकली आपके सामने लिस्ट के अंदर जो शो हो रहा है उसमें सेलेक्ट हो जाएगा PCS का पीसेस। और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस के अंदर आपको जीरो रखना है, उसके बाद इंटर प्रेस करते हुए इसे भी एक्सेप्ट कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, GST एप्लीकेबल में आपको एप्लीकेबल ही सिलेक्ट करना है, और HSN SSC डिटेल में आपको यहाँ पर जो है स्पेसिफाइड डिटेल हर पे क्लिक करना है। उसके बाद जो है आपने जो प्रोडक्ट लिया है उसका HSN कोड आपको यहाँ पर इनपुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका प्रोडक्ट का जो HSN कोड डाल देते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, GST रेट एंड रिलेटेड डिटेल यहाँ पर आपको स्पेसिफाई डिटेल हर पे क्लिक करना है। उसके बाद टैक्सेबल टाइप में आपको टैक्सेबल लेना है, और यहाँ पर आपका जो भी प्रोडक्ट का GST रेट है वो यहाँ पर आपको इनपुट कर देना है, ठीक है। तो क्योंकि मैं आईफोन ले रहा हूँ तो इस पर 18% का टैक्स लगता है, तो यहाँ पर मैंने 18% ही यहाँ पर लिया है, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ सप्लाई में आपको यहाँ पर जो है प्रोडक्ट के हिसाब से लेना है, ठीक है। तो ये गुड्स ही है। उसके बाद आपको इंटर प्रेस करना है, और एक्सेप्ट करते हुए आप ठीक है यहाँ पर आ जाएंगे नेक्स्ट स्क्रीन पे। यहाँ पर आपसे डेट पूछ रहा है, तो वो तो जो आपकी ऑर्डर डेट होती है वही यहाँ पर इनपुट करना है। उसके बाद यहाँ पर जो पूछेगा आपसे क्वांटिटी, यानी सामने वाली पार्टी ने आपको कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर दिया है, तो वो यहाँ पर आपको इनपुट कर देना है, ठीक है। उसके बाद पर क्वांटिटी का जो रेट है वो क्या है वो आपको यहाँ पर इनपुट करना है, ठीक है। तो पर क्वांटिटी का ऑर्डर यहाँ पर 16,000 का है, ठीक है, वो आपको इनपुट कर देना है, तो वैल्यू ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, इंटर प्रेस करना है। उसके बाद अगर कोई और भी आइटम का मान लीजिए ऑर्डर है तो आप वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, डिफरेंट जो टैक्स के जो लेज़र होते हैं GST के, जैसे CGST और SGST, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, जिससे क्या होगा कि टैक्स कैलकुलेट होकर आपके सामने आपको शो होगी। अगर पहले से आपने ये लेज़र तैयार करके नहीं रखे हैं तो कैसे तैयार करना है इसकी डिटेल आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, उसकी लिंक मैंने आपको प्रोवाइड की है, आप उसको देखकर सीख सकते हैं कि किस तरह से आप GST के लेज़र तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, GST के लेज़र सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर पहले से तैयार करके रखा है, तो मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, CGST। आप देखेंगे यहाँ पर टैक्स कैलकुलेट होकर आ चुका है। उसके बाद एक इंटर और प्रेस करेंगे, और यहाँ पर अब हम जो नेक्स्ट लेज़र है SGST वो भी सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर जो है स्टेट GST टैक्स भी कैलकुलेट होकर आ चुका है। उसके बाद हम इंटर प्रेस करेंगे और जो है इस वाउचर को एक्सेप्ट कर पास कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो है जो सेल्स ऑर्डर है उसका वाउचर हमने पास कर दिया है। इसकी प्रिंट आउट लेने के लिए आप क्या करेंगे, पेजअप का यूज़ करेंगे एक बार अपने कीबोर्ड से, जिससे आप फिर से उसी एंट्री पर आ जाएंगे, और प्रिंट देने के लिए आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+P का यूज़ करेंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा कि प्रिंट के लिए आपके सामने एक स्क्रीन दिखाई देगी। उसके बाद आपको क्या करना है, डिफरेंट यहाँ पर कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आप राइट साइड देखेंगे, यहाँ पर आपको कुछ की शो हो रही है, जैसे F5, F6, F7, F8, F9 और F10। इनके बारे में मैं आपको जो है इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। F5 से क्या होगा, डिफरेंट जब आप प्रेस करते हैं तो नंबर ऑफ कॉपी आप सेट कर सकते हैं कि आप जो प्रिंट चाहिए वो कितनी कॉपी में चाहिए। तो मान लीजिए आपको 2 कॉपी में चाहिए, तो आप यहाँ पर 2 सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। इसमें टाइप ऑफ कॉपी में आपको आल ही रखना है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है F6, जो कि प्रिंटर के लिए है। जब आप F6 प्रेस करेंगे तो डिफरेंट यहाँ से आप जो है प्रिंटर सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी प्रिंटर आपके लैपटॉप या सिस्टम के साथ कनेक्ट है यहाँ से आपको प्रिंटर सेलेक्ट कर लेना है इंटर प्रेस करके। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है F7 टाइटल के लिए। तो आप जब F7 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप जो है टाइटल यहाँ पर दे सकते हैं। तो जो हमारा मेन टाइटल है वो सेल्स ऑर्डर ही है, पर आप कुछ डिफरेंट देना चाहें तो दे सकते हैं, जैसे सेल्स ऑर्डर इनवॉइस भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर प्रिंट फॉर्मेट F8, ठीक है। तो जब आप F8 प्रेस करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है नीट मोड और क्विक ड्राफ्ट फॉर्मेट और डॉट मैट्रिक्स फॉर्मेट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जब हम प्रिंट देते हैं लेज़र प्रिंटर से और या फिर इंकजेट प्रिंटर से, तो आपको नीट मोड ही यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अगर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है तो डॉट मैट्रिक्स के हिसाब से आपको जो है फॉर्मेट सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर नीट फॉर्मेट ही आपको लेना है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है F9 प्री प्रिंटेड पेपर, ठीक है। ये इससे क्या होता है डियर फ्रेंड कि अगर आप सेट कर सकते हैं कि आपको जो फॉर्मेट चाहिए वो बॉर्डर के साथ चाहिए या विदाउट बॉर्डर के साथ चाहिए, यानी प्रॉपर फॉर्मेट में चाहिए या विदाउट फॉर्मेट में चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए अगर यहाँ पर F9 के आगे प्लेन पेपर आपको दिखाई देता है, तो फिर जब आप इसका प्रीव्यू चेक करेंगे, प्रीव्यू चेक करने के लिए आप यहाँ पर आई पे प्रेस कर सकते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है बिल्कुल प्लेन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कोई भी फॉर्मेट आपको नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। बट अगर आप अगेन F9 प्रेस करते हैं और उसके सामने शो होता है प्री प्रिंटेड पेपर,
उसके बाद जब अगेन आप प्रीव्यू चेक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर प्रॉपर जो है फॉर्मेट के अंदर आपको जो है शो हो रहा है। ठीक है, तो यही होता है F9 के आगे अगर आप प्री प्रिंटेड पेपर या प्लेन पेपर सेलेक्ट करते हैं तो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है पेजेस टू प्रिंट। जब आप F10 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर प्रिंट कौन से पेज से स्टार्ट करना है वो आपसे बताते हैं। यहाँ पर हमें R1 ही रखना होता है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करनी है, डीएफ प्रिंट सारी सेटिंग करने के बाद आपको जो है प्रिंट ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हैं अगर आप इसकी प्रिंट निकालना चाहते हैं तो। ठीक है, जिससे क्या होगा कि आपके प्रिंटर से ये प्रिंट आप बाहर आ जाती है, आपके रिकॉर्ड के लिए होता है। तो इस तरह से डीएफ प्रिंट डेली प्राइम के अंदर आप जो है सेल्स ऑर्डर तैयार कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको चेक करना है कि आपको कौन कौन से ऑर्डर मिले हैं सेल्स ऑर्डर के, तो आप इसे चेक भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले इसे बाहर आना होगा। तो रिपोर्ट चेक करने के लिए आपको क्या करना है, डिफरेंट यहाँ पर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट ऑप्शन पर इंटर प्रेस करना है। उसके बाद आपको जो है इन्वेंट्री बुक ऑप्शन पर इंटर प्रेस करना है, जिसके अंदर आप देखेंगे सेल्स ऑर्डर बुक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस पर आपको इंटर प्रेस करना है। इसके बाद जिस मंथ में जो भी आपने जितने भी ठीक है सेल्स ऑर्डर आपको मिले हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो हमारा एक अप्रैल मंथ में जो है एक ऑर्डर दिखाई दे रहा है, जब हम इस पर इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है पता चल जाएगा कि किस पार्टी ने आपको ऑर्डर दिया है और कितनी क्वांटिटी का दिया है। ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। आप और इंटर प्रेस करके इसके अंदर जा सकते हैं, ठीक है, और चेक कर सकते हैं कि पार्टी ने आपको किस प्रोडक्ट का ऑर्डर दिया है, ठीक है, और उसके हिसाब से आप आगे की प्रोसेस कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड, इस तरह से टेली प्राइम के अंदर जो है सेल्स ऑर्डर तैयार किया जाता है ताकि आपके रिकॉर्ड में रहे कि किस पार्टी ने आपको कौन सा जो है प्रोडक्ट का ऑर्डर दिया है, ठीक है, और उसके बाद आप उसकी आगे की प्रोसेस कर सकें। तो आज की वीडियो में डियर फ्रेंड हमने सीखा कि टेली प्राइम के अंदर किस तरह से सेल्स ऑर्डर तैयार किया जाता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो डियर फ्रेंड, वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें ताकि आपके थ्रू वो भी सही तरीके से सेल्स ऑर्डर तैयार कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्यूटर लर्निंग चैनल ऑन YouTube।